आमा बाबू दाजू भाई अनि दीदी बहनी यहाँ हरु सबैलाई मेरो को तर्फबाट न्यानो अभिवादन सिक्किम प्राकृतिक रूपले अति सुंदर छर तपाईहरू पनि असल सुंदर हुनुहुन्छ। साथियों, मैं बीते तीन दिनों से हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में, पूर्वी भारत में दौरा कर रहा हूं और इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और मानवता की सेवा से जुड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कल झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय की शुरुआत, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद कल शाम को मैं सिक्किम आ गया था। तो यहां का एयरपोर्ट देश की सेंचुरी का शतक यहां पूरा कर रहा है। भाई और बहनों, ये एयरपोर्ट आपके जीवन को और आसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक हम सभी को अगर देश के दूसरे हिस्से से सिक्किम आना हो और फिर यहां से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो कितना मुश्किल होती थी, ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब 125 किलोमीटर तक के ऊंचे नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर, और तब जाकर के गंगटोक पहुंच पाते थे। सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल समेत देश के अनेक राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं, और आपको जानकर के हैरानी होगी, इसमें से 35 एयरपोर्ट पिछले 4 साल में बने हैं।